press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो हम देखते हैं कि जब भी हम जाते हैं किसी शो में, सर आप भी अक्सर होते हैं, तो सर हम 71 से नहीं निकल पा रहे, फिर पाकिस्तान कहता है कि आप लोग अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप कहते हैं हम खालिस्तान वालों के साथ मिले हुए हैं। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नॉर्मल नेबर्स की तरह क्यों नहीं रह पा रहे? देखिए, मैं आई वुड थिंक दैट द इम्पेरेटिव टू मेंड रिलेशंस इज फार हायर दिस टाइम फ्रॉम पाकिस्तान साइड। व्हाई? आपकी इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, अनफॉर्चुनेटली आपके, इट्स अ सैड थिंग कि जमहूरियत नहीं जम पाई जितना कि वो अदर साइड ऑफ द बॉर्डर हिंदुस्तान में आ गई। आपने देखा क्या इलेक्शन में हिंदुस्तान की आबादी, आवाम ने बिल्कुल बड़ी, मैं समझता हूँ, रिजाउंडिंग डिसीजन दी है कि वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं। और अगर हमको कोई लोग एक्यूज करते हैं कि इस साइड या उस साइड हम ज्यादा झुकाव हो रहा है, तो करेक्शन, सेल्फ करेक्शन भी हमारी डेमोक्रेसी में है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमें पाकिस्तान में नहीं स्टेबलाइज हो पाई डेमोक्रेसी। आपके कायदे आजम वो बहुत जल्दी चले गए, अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी वॉज द बिगेस्ट ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान। उसके बाद से कोई स्ट्रॉन्ग सिविलियन लीडरशिप नहीं आ सकी, 30 साल से ज्यादा तो आपकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया। इसके बाद जो पाकिस्तान की फौज इनडायरेक्ट बिहाइंड, वो भी सबक सीख गई है कि कू करके राज करना इंटरनेशनली प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो वो अब साहब डायरेक्ट कू नहीं करते, बट बिहाइंड द सीन्स वो कठपुतलियां जरूर नचाते हैं, वो डिजायर्ड आउटकम जरूर पैदा करते हैं, इलेक्शंस में इंटरफियर करते हैं। और उससे क्या होता है कि आपके जो बल्क रिसोर्सेज हैं वो फौज खींच जाती है, ऑल ओवर मिलिटराइज स्टेट, ये पॉल कैनेडी ने कहा था, ऑल ओवर मिलिटराइज स्टेट्स टेंड टू फेस एन इकोनॉमिक कोलैप्स। अनफॉर्चुनेटली आपकी इकोनॉमिक हालात खराब है। ऐसे टाइम में मेरा ख्याल था कि इम्पेरेटिव पाकिस्तान में रियलाइज होगा कि इट इज बेटर टू मेंड फेंसेस एंड नीडलेसली स्टॉप दिस हेमोराजिंग। यू नो कि ये टॉयज में कम्पीट करना कि अगर इंडिया के पास एवैक्स आ गए हैं इजरायली या रशियन या ये या वो, तो या हमने खुद भी बना लिए हैं तो हमको भी साहब एवैक्स चाहिए, चाहे वो स्वीडन से आए। बाकी पाकिस्तान के अवाम को दो रोज की रोटी मिले ना मिले, बट हमको वो एवैक चाहिए, हमको मैचिंग टॉयज चाहिए। ये अनरियलिस्टिक कंपटीशन है, और ऐसा कंपटीशन सोवियत यूनियन को ले डूबा था 1990 में, ऐसा कंपटीशन ऑस्ट्रिया हंगरी को ले डूबा था, नाथसी जर्मनी को ले डूबा था, और इंपीरियल जापान की इकोनॉमिक तबाही हो गई, वहां तो बिल्कुल ही न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो गई थी। तो इस वक्त आई वुड थिंक टाइम अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि दोनों साइड जो है एक दूसरे को ना छेड़े। इसी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पाकिस्तान में ये समझ नहीं आता कि भाई आप जैसे कहते हैं कि इंडिया एल्डर ब्रदर का क्यों नहीं अख्तियार कर रहा, एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहा वो एटीट्यूड। और प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम वो है जो रशिया और यूक्रेन में, यूक्रेन ने अपनी टेरिटरी को रेंट आउट किया अमेरिका को, नेटो को, ताकि वो प्रॉक्सी वॉर छेड़ सके रूस के बर खिलाफ, सो दैट दे आर नाउ फाइटिंग रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। तबाह हो गया है बेटा वो मुल्क, तबाह हो गया है, एंड यू फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। एक शहर, एक इमारत खड़ी नहीं रही, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, उनके लाखों लोग मारे गए। वो 30,000 जो कह रहे हैं वो आंकड़ा बहुत गलत है, लाखों की तादाद में वहां पे मारे गए या घायल हुए हैं। वो 1.5 लाख के तो रूसी कह रहे हैं अंदाज,
मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं बेचारे, और बाकी कोई 3-4 लाख के करीब घायल हुए, उनके पास बंदे नहीं रह गए वो मोबिलाइज करने के लिए, कॉन्स्क्रिप्ट करने के लिए। और ये किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा, उन्होंने औरों के नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी, है जिसको हम कहते हैं कि प्रीसिडेंस दी ओवर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। और उनके हित में नहीं था कि वो रूस जैसी ताकत को छेड़े, उसको मतलब ऑन बिहाफ ऑफ नेटो और ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनसे वो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। अब साहब देखिए कितना नुकसान हो गया है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एट ए स्टेज टू बैलेंस अ स्ट्रॉन्गर इंडिया, मोर मिलिटरली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर इंडिया, वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग इन एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर्स इन टू द रीजन। अमेरिका को आप पहले लाए, सीटो सेंटो वो तो इतिहास है, फिर अफगानिस्तान के बाद दूसरा फेज अमेरिका की एंट्री का आया, अमेरिका ने आपका अच्छे तरह से इस्तेमाल किया, आपको काफी नुकसान उसका हुआ है, फॉर दैट यू हैव पेड अ हेवी प्राइस, एंड नाउ दैट प्राइस जाते जाते अमेरिकन्स वहां पे आपको गिफ्ट दे गए हैं कि वहां पे वो काफी अच्छे हथियार खासे नंबर में छोड़ गए, बिल्कुल इस्तेमाल कर। अब वो कहाँ इस्तेमाल करेगा, यहाँ तक तो वो उनके हमवीज वगैरह इंडिया तक तो चल के आने से रहे, कितना दूर जाएंगे सेंट्रल एशिया में, इस्तेमाल होंगे तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। फिर अब आपने बैलेंसिंग के लिए दूसरी जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर है वो है चाइना, वो भी किस हद तक आपको निचोड़ेंगे नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जब आप इकोनॉमिक ट्रबल में है, दे आर नॉट बींग वेरी हेल्पफुल। तो ये यूक्रेन आई थिंक शुड बी अ वेरी लाइव एग्जाम्पल कि जिसके वजह से हमको एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को बैलेंसिंग के लिए नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो एक कीमत एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कीमत पाकिस्तान पे कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का आवाम पे कर रहा है। और पाकिस्तान में यू आर द बेस्ट जज, बट मुझे अब करवट बदलती लग रही है। जो अटैक हमने देखा कोर कमांडर के घर पे, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब 100-150 का तो गार्ड होता है कोर कमांडर के पास, अब किसी ने आवाज तक नहीं उठाई और उसका घर रैनसैक हो गया, उसके सफेद शुतुरमुर्ग बेचारे, वो बेचारे जिनको भूख लगी थी ले जाके खा गए लोग, उनका बोटी कबाब बना के और उसका फ्रिज लूट हो गया। बट ऑल दैट शोज की देयर इज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस in such a phase, and with Nawaz Sharif now back, there is a reason to hope, I suppose, that both the countries should be able to mend their fences. And this is not the phase jisme ki Pakistan ki ISI, Pakistan ke jarnail K2 movement ko restart kare, Kashmir Khalistan ko revive karne ki koshish kare, because wo phir then मामले को काफी साउथ ले जाता है, काफी गड़बड़ा जाता है मामला, जब सिविल इन कैजुअल्टीज होती हैं जावेरी बाजार में, इधर उधर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, फिर वो एक फेज था इंडियन मुजाहिदीन का सो कॉल्ड, इसमें हमारे सारे शहरों में बम फट रहे थे, अब ज्यादातर स्टेबलाइज हो गया है। सो आई थिंक देर आर होपफुल साइंस, जो सीज फायर है पाकिस्तान के साथ वो अभी तक कायम, बाजवा साहब के टाइम में सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आया था, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग मी हु फेल्ट कि भाई जब तक टेररिज्म बंद नहीं होती ये हमको नहीं देना चाहिए ये कंसेशन पाकिस्तान को, बट वो अभी तक कायम है। दैट मीन्स बोथ साइड पे एक थिंकिंग है कि साहब लेट्स कॉल इट क्विट्स, You leave us alone, we leave you alone. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी के सवाल और जीडी बख्शी साहब के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा जीडी बख्शी साहब ने बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में कि खासकर अगर पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं तो पाकिस्तान को इस बार पहल करनी पड़ेगी, वो पाकिस्तान जिसने हमेशा भारत के साथ मुकाबला करने की कोशिश की है और अपने आवाम को ये समझा है कि चाहे हमें घास भी खानी पड़े पर हम भारत से मुकाबला करेंगे, पर शायद अब धीरे धीरे पाकिस्तानियों को अकल आ रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।